क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है वो हमें फाइंड आउट करना है। कभी कभार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख के ही घबरा जाता है। मान लीजिए कि वो जैसे फोबिया में होता है ना, कि बड़े स्ट्रक्चर देख के ही वो सोचने लगता है कि ये मुझे नहीं आने वाला है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे जो चारों मॉलिक्यूल में सिर्फ वही फाइंड आउट करना है कि जिसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन सिस्टम रहेगी और एरोमेटिक कैरेक्टर रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम वन बाय वन देखते हैं। ए में देखेंगे तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर या सॉरी एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है। बी में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। सी में देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर है और कॉन्जुगेट सिस्टम भी है। तो हम कह सकते हैं चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, डी, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर और कॉन्जुगेशन सिस्टम दोनों है। तो हम कह सकते हैं कि डी इज़ अवर करेक्ट आंसर।